नमस्कार। आज की कहानी जामुन का पेड़ कृष्णचंद्र की द्वारा लिखी गई कहानी है, जो एक व्यंग्य कथा है और इसमें सरकारी अधिकारियों और बाबुओं की विभागीय कार्रवाई के कारण दम तोड़ते मनुष्य की दुख की कहानी का वर्णन किया गया है कि किस प्रकार से मनुष्य सरकारी अधिकारियों के व्यवहार से दुखी होते हैं। सबसे पहले कहानी में जामुन का पेड़ गिरता है। कैसे गिरता है जामुन का पेड़? रात को आंधी चली और सचिवालय के लोन में एक जामुन का पेड़ लगा हुआ था, वह गिर जाता है। सुबह सवेरे जब माली उठता है तो वह देखता है एक आदमी उस पेड़ के नीचे दबा पड़ा है। माली ने चपरासी को बताया, चपरासी ने क्लर्क को, क्लर्क ने अपने से बड़े अधिकारी को, और देखते ही देखते चारों तरफ भीड़ जमा हो जाती है। उस दबे हुए मनुष्य से किसी को कोई लेन देन नहीं है, जबकि सबको अपने अपने कामों के लिए पड़ी है। कुछ लोग जामुन के मीठे फलों को याद करने लगते हैं कि अब उन्हें जामुन खाने को नहीं मिलेंगे, लेकिन माली जामुन के नीचे दबे हुए आदमी की ओर ध्यान दिलाता है। तब लोग कहते हैं कि यह तो मर चुका है, लेकिन फिर वह कहता है कि नहीं, मैं तो जिंदा हूँ। यह मामला चीफ सेक्रेटरी तक पहुंच जाता है, यानी कि बहुत ऊंचे के अधिकारियों तक पहुंच जाता है। सुपरिंटेंडेंट ने कहा कि अंडर सेक्रेटरी से पूछ लो। अंडर सेक्रेटरी ने जॉइंट सेक्रेटरी का नाम ले दिया, जॉइंट सेक्रेटरी ने चीफ सेक्रेटरी का, चीफ सेक्रेटरी ने मंत्री जी से पूछने के लिए बता दिया, यानी कि सब एक दूसरे पर टालते रहे और फाइलें चलती रही। इस प्रकार से फाइलों के चक्कर में आधा दिन बीत गया, लेकिन उस आदमी को पेड़ के नीचे से नहीं निकाला जा सका। दोपहर में भीड़ में खड़े लोग पेड़ को उठाने लगे, तभी सुपरिंटेंडेंट ने आकर बताया कि यह तो कृषि विभाग करेगा, यानी लोगों को भी उठाने नहीं दिया, और इसकी फाइल कृषि विभाग में भेज रहा है, तो वहाँ से जब उत्तर आएगा तब यह पेड़ उठाया जाएगा। फिर शाम को फैसला हुआ कि पेड़ पर फल लगे हुए हैं, इसलिए फल विभाग का मामला है, यानी हॉर्टिकल्चर विभाग में भेज दिया गया। हॉर्टिकल्चर विभाग होता है फल फूल कृषि पेड़ पौधों से संबंधित विभाग, और रात को उस पेड़ पर पुलिस की पूरी निगरानी रखी गई। माली ने दबे हुए व्यक्ति को दाल भात खिलाया। आदमी ने बताया कि वह लावारिस हैं, उसका कोई घर पे है नहीं। अगले दिन हॉर्टिकल्चर विभाग से उत्तर आया कि आजकल पेड़ लगाओ स्कीम चल रही है, इसलिए इसे काटने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। तभी एक मनचले युवक ने सुझाव दिया कि पेड़ नहीं काट सकते तो आदमी को काट कर निकाल लो, इससे पेड़ बच जाएगा। दबे हुए आदमी ने इससे आपत्ति की कि इससे तो वह मर जाएगा। तो उसने कहा कि आजकल प्लास्टिक सर्जरी उन्नति कर चुकी है, तो आपको प्लास्टिक सर्जरी करा के ठीक कर देंगे। अतः यदि आदमी को बीच से काट कर निकाल लिया जाए तो बाद में उसकी सर्जरी हो सकती है। इस बात के लिए फाइल मेडिकल विभाग में भेज दी गई। वहां से रिपोर्ट आई कि सारी जांच पड़ताल करके पता चला कि प्लास्टिक से ऑपरेशन तो हो जाएगा किंतु आदमी मर जाएगा, इसलिए यह फैसला भी रद्द हो गया। रात को माली ने दबे हुए आदमी को बताया कि उसके केस पर सभी सेक्रेटरियों की एक मीटिंग होने वाली है। दबे हुए आदमी ने गालिब का फिर यह शेर सुनाया कि ये तो माना कि तगाफुल ना करोगे, लेकिन खाक हो जाएंगे हम तुमको खबर होने तक। फिर उसे हैरानी होती है कि यह शेर कैसे सुना रहा है। तो माली पूछता है कि आप कोई शायर हो क्या? तब दबा हुआ व्यक्ति सिर हिलाता है कि हाँ, वह शायर है, और यह खबर सारे शहर में पहुंच गई। सारे शहर के कवि इकट्ठे हो गए, कविताएं और दोहे सुनाने लगे। सचिवालय की सब कमेटी ने फैसला लिया कि दबा हुआ आदमी कवि है, इसलिए यह कल्चरल विभाग का मामला है, इसलिए कल्चरल विभाग को फाइल भेज दी जाए। और इस प्रकार से यह फाइल साहित्य अकादमी के सचिव के पास पहुंच गई और वह इंटरव्यू लेने आता है। दबे हुए आदमी ने बताया कि उसका नाम ओस है और उसका कुछ दिन पहले ही कविता गद्य का संग्रह ओस के फूल छपा है। यह सुनकर सचिव आश्चर्य करता है कि इतना महान लेखक अकादमी का सदस्य क्यों नहीं है,
और वह कहता है कि उसे पेड़ के नीचे से निकाला जाए। सचिव ने बंदोबस्त करने का भरोसा उसे दिलाया। अगले दिन उसने आकर सूचना दी कि उसे सरकारी साहित्य अकादमी का सदस्य बना दिया गया है, अतः वह मिठाई खिलाए। दबे हुए आदमी ने कहा कि पहले मुझे पेड़ के नीचे से तो निकालो। कहा कि हाँ, अगर तुम मर गए तो हम तुम्हारी बीबी को वजीफा दिला सकते हैं। वैसे पेड़ काटने के लिए उन्होंने फॉरेस्ट विभाग को शीघ्र कार्रवाई के लिए लिख दिया है। अगले दिन फॉरेस्ट विभाग के लोग आरी कुल्हाड़ी लेकर के आ जाते हैं, परंतु उन्हें पेड़ काटने से रोक दिया गया क्योंकि यह पेड़ 10 साल पहले पिटोनिया राज्य के प्रधानमंत्री ने लगाया था। अगर यह काट दिया गया तो उनके साथ संबंध बिगड़ जाएंगे। अंडर सेक्रेटरी ने बताया कि प्रधानमंत्री विदेश दौरे से वापस आ गए हैं, अब वही फैसला करेंगे। शाम को 5 बजे प्रधानमंत्री ने पेड़ काटने की अनुमति दी, तब जाकर फाइल पूरी हुई और इसी के साथ दबे हुए आदमी की सांसें भी पूरी हो गई। तो पूरी यह कहानी एक व्यंग्य कथा है जिसमें ये बताया जाता है कि किस प्रकार से सरकारी अधिकारियों और एक विभाग से दूसरे विभाग तक फाइल जाते जाते व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। और मृत्यु का यहाँ पर व्यंग्य है, रियली ये एक स्टोरी के द्वारा बताया गया है कि व्यक्ति किस प्रकार से मरने की स्थिति में आ जाता है सरकारी विभाग के चक्कर काटते काटते। यहाँ पर करप्शन की जो पूरी बात है वो आप भी बहुत ही व्यंग्यपूर्ण तरीके से यहाँ पर करप्शन का चित्रण किया गया है। और मेडिकल विभाग में भी आप देखते हैं कि यहाँ प्लास्टिक सर्जरी तो कर दी जाएगी लेकिन इससे आदमी मर जाएगा। तो इस प्रकार की व्यंग्य से यहाँ पर कहानी का बहुत ही सुंदर से एक मार्मिक चित्रण जो किया है वो मंचले युवक के व्यंग्य के द्वारा भी हम देख सकते हैं और अन्य जो मेन घटनाएं हैं मैंने आपको बताई हैं उसके द्वारा भी हम देख सकते हैं।